लॉन्च की और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म उसके बारे में। कटिहार जिले की जो वेबसाइट और डॉक्यूमेंट्री आपने आज वेबसाइट लॉन्च की, डॉक्यूमेंट्री दिखाई हमें, यह पूरे कटिहार जिले का पिछले 48 वर्षों का सिंहावलोकन है, सिंहावलोकन है। जैसे पीछे मुड़ के हम देखते हैं तो जो सारी चीज़ें एक परिदृश्य में समग्रता में सामने आ गई हैं, इसके लिए आपकी मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूँ। आप पूरी पूरी प्रशंसा के पात्र हैं और इससे तकनीक का प्रयोग इतिहास संस्कृति से कैसे हो, इसका यह उत्तम उदाहरण। थैंक यू सर। पहले आपके पास आए थे, आपने आज का ही दिन और ये समय दिया, उसके लिए थैंक यू। और मैं कटिहार हूँ, आज एक वर्ष उसका भी पूरा हो गया, लास्ट ईयर ने इसको सुन लिया। आज मैं बिहार हूँ, मैं हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, हमने ऐसा सोचा है कि अब बिहार को भी हम लोग दिखाए लोगों में, बिहार के अलग अलग भागों, इसलिए मैं बिहार हूँ वेबसाइट हम लोग लेकर आए। क्या नहीं, ये बहुत ही बढ़िया है। मतलब किसी भी ज़िले के बारे में अभी आपने जब डॉक्यूमेंट्री में दिखाया बहुत चीज़, तो मुझे ही जानकारी नहीं थी। तो हम लोग तो आते हैं ज़िले में, कुछ दिन सर्व करते हैं और चले जाते हैं। ज़िला के जो लोग रहने वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं जब से आया हूँ मैं यही अपील करता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, कटिहार को डेवलप करना है, चूँकि हमें तो चले जाना है, रहना वो नहीं है। तो आपने जो आज दिखाया, कटिहार की हिस्ट्री भी बताई, बहुत चीज़ हमें भी जानकारी में नहीं थी। और आगे मैं बिहार हूँ भी आप बनाएंगे, इसका भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत ही अच्छा वेल रिसर्च्ड आपका डॉक्यूमेंट्री था। और आज जब कटिहार का स्थापना दिवस है तो इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता था उसको लॉन्च करने के लिए, इसलिए मैंने आपको आज की तिथि दी थी। तो हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, आप लोगों ने भी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इसके लिए बधाई। और आगे बढ़िया काम करते रहें और कटिहार को देश के नक्शे पर ऐसे ही दिखाते रहें, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बिहार का जो दारवा है, एक साल आज इसको पूरा हुआ। पिछले साल हम लोग 2 अक्टूबर को कोरोना के बीच में इसकी शुरुआत की, आज वेबसाइट लॉन्च की, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कटिहार हूँ, वेबसाइट लॉन्च होने पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और मेरी संपूर्ण शुभकामनाएं हैं आप लोगों से। आगे भी आप अच्छा करें, यही कामना है। आज से पहले कटिहार को अगर लोग जानते थे तो सिर्फ इसलिए कि पूर्वोत्तर का एक गेटवे है, और अब मुझे लगता है पूरे देश में लोग शुभम और हर्ष जैसे लोगों के साथ जान रहे हैं इनको, क्योंकि 4 लोग इकट्ठे निकले हैं। तो सबसे पहले शुभम, बहुत बहुत बधाई। और मैं कटिहार हूँ, आज आपके लिए डॉक्यूमेंट, बहुत सारी सीरीज है इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे सर, पूरी डॉक्यूमेंट्री 8 एपिसोड, क्या कहेंगे इसके बारे में? मुझे डॉक्यूमेंट्री देख के काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे यहाँ की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में फुल नॉलेज नहीं था, और काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने बनाया, और कहीं ना कहीं ये लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट से ये जोड़ेगा और लोगों को अपने कल्चर और अपने डिस्ट्रिक्ट पे प्राउड फील होगा। सो आई थिंक वेरी गुड इनिशिएटिव, आप ऐसे ही और डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। थैंक यू। एंड हर्ष, आपसे तो 1-to-1 टॉक हुई थी लाइव में, दिल्ली में थे आप आज के इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहते हैं? बहुत ही इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री थी। मैं जब इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहा था तो मैंने कटिहार के लिए बहुत रिसर्च की, बट मुझे सारी इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं पे और कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं मिल रही थी, एक सिंगल सोर्स जहाँ पे इतनी वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्च मिल जाए वो मुझे नहीं मिला। मुझे आज कई सारी नई चीज़ें पता लगी, जैसे 13वीं शताब्दी से जो कटिहार की रिकॉर्डेड हिस्ट्री, तो मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा। आई होप कि ऐसी काफ़ी सारी जो कटिहार की ऐसी छोटी चीज़ें, जैसे कुरसेला में गांधी ग्राम है, तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें, वी हैव थर्ड एपिसोड, इट इज़ देयर ऑन द वेबसाइट, तो ऐसी कई सारी चीज़ें ऐड आप करते रहें जिससे जो यहाँ के लोग हैं और जो बिहार के लोग हैं उनको इस बारे में। Great. Thank you so much.